राज्य के लिए वो ये कहती है कि पुलिस आएगी तो अपने पैरों पे जाएगी नहीं। अरे बंगाल और बांग्लादेश को छोड़िए, इस देश में सरकार को चैलेंज करते हुए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, और किसके लिए नजर आ रहे हैं? मोनू मानेसर के लिए, वो गुंडे के लिए। तो ये परिस्थिति देश में बन रही है, और उसके बाद आप अराजकता की बात कर रही है। देखिए कुछ दंगाइयों ने किया, दोनों तरफ उनको उठाइए, जेल करवा लीजिए, कोई भी दंगाई है तो। लेकिन सवाल ये है, पहले फोन बंद करवा लीजिए। कहते हैं कि भाई ये दो औरतों के नाम पे आतंक बचा रहे हैं, तो जब तक तो कोई सवाल नहीं उठता। इतना हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। देखिए मुझे इन डिस्क्लेमर से बड़ी परेशानी है। सरवर साहब, आप ये कह दें पहले कि देखिए ये बहुत खराब है जो पत्थर बरसा रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें जोड़ देते हैं। ये डिस्क्लेमर्स लगा लगा कर बात करना बंद कर दीजिए। इस तरह की हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सरवर साहब, और क्यों की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करी जानी चाहिए। अगर इस तरह से हिंसा होता रहा और उसको जस्टिफाई किया जाना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो पूरे देश में इसी तरह का वातावरण हो जाएगा। हिंसा हिंसा है, और हिंसा की मैंने चारों तरफ से क्या पक्ष क्या विपक्ष सबको निंदा करनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच करके कौन ऐसे लोग हैं उसको चिन्हित करके उचित सजा भी उसे देनी चाहिए। बहस इस बात पर है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी, देखिए दो तीन पहलू एकदम फास्ट में कह रहा हूँ। पहली बात तो स्टूडेंट मूवमेंट था, रिजर्वेशन का इशू था, उसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया, जला दीजिए, ठीक है। दूसरी बात अगर हो गया, हो गया मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू प्रताड़ित है ना। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन भारत में क्या है? मैं इसी बात को कह रहा हूँ। अभी जो ये घटनाएं घटने लगी अचानक, ये जिस दिन वहां घटना घटी उसी दिन हिंदू यहाँ सड़क पर नहीं उतरा, घटना के कई दिनों बाद। अब ये दो चार दिनों से प्रदर्शन हो रहा, मैं डे वन से मुस्लिम संगठनों से ये सवाल कर रहा था और आज फिर कर रहा हूँ कि अगर आप पहल कर दिए होते मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर और अल्पसंख्यक होने के नाम पे, चूंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा था तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि आप पॉलिटिकली ही सही, चलिए हमदर्दी नहीं है, आप कहते हैं माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उतरना चाहिए था, तो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पार्टियां नहीं उतरी। इसलिए मुझे पहली नाराजगी तो इन लोगों से यह है कि आप ह्यूमैनिटी की बात कैसे करेंगे। अब जो लोग उतरे हैं उनको अधिकार भी है और उनका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनात्मक लगाव है, उनको उतरना चाहिए मानवता के भी नाते और हिंदू होने के भी नाते, वो उनका राइट है। अब अगर वो लेकिन अगर वो उतर रहे हैं तो क्या देश के दूसरे समुदायों को इससे दिक्कत है कि हिंदू क्यों उतर रहा है भारत में? क्यों दिक्कत है, यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये घटना आखिर इसके पीछे कौन है? क्या अगर हिंदू उतर रहे, भाई आपको उतरना चाहिए, आप नहीं उतरे, अगर हिंदू भाई उतर गए तो या तो उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे कि भाई आप सही, मुद्दा आपका है, वाकई बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप अगर रोष प्रकट कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। दो ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था कि आप चुप हो जाते। अब आप उसमें अगर कोई आप आरोप लगा रहे हैं, वो ही जो आप बार बार कह रहे हैं डिस्क्लेमर की बात, चूके चुनांचे ये वो, इसमें कहीं मैं इन सब चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई आपत्तिजनक नारे भी लगे उसकी भी क्या कहते हैं, हम निंदा जरूर करते हैं, मगर आपको सुन के चुप होना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती कर रखी है। अगर आप मानवता के नाम पर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आपको कान में तेल डालकर चुप से बैठना चाहिए, ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये तस्वीरें देखकर बार बार ये सवाल मन में जरूर आता है राज मिश्रा जी, कि क्या अगर हिंदू के लिए भारत में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? और अगर यहाँ पर आवाज उठ रही है, मैं कुछ तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ आवाज उठ रही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ममता जी ने भी कहा कि इन आवाजों को रोकने का प्रयास किया, पुलिस वाले लाठी डंडे पत्थर खा रहे हैं भाई, ये जो तस्वीरें अभी चल रही है स्क्रीन पर, ये पुलिस वालों को इतनी मशक्कत करनी, उनके ऊपर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं कि इस तरह का प्रोसेशन यहाँ क्यों निकल रहा है? तो ये तो एक नियम है। आप जहां भी देख लीजिए, जहां भी इनकी संख्या थोड़ी अच्छी हो गई, जहां भी आप उठा करके देख लीजिए, भारत के अंदर तो आप सबने देखा ही, चाहे वो पलामू उठा करके देख लिया जाए, झारखंड का परिस्थिति देख लिया जाए, जहां भी बहुसंख्यक हुए हैं वहां ये बात हुई कि भाई साहब यहाँ संडे की छुट्टी बंद होगी, शुक्रवार प्रारंभ होगा, ठीक है। आप जहां अगर बांग्लादेश की आप बात उठा करके देख लीजिए, कितना हिंदू था उसकी जनसंख्या देखिए कितना घट गई। अभी माइनॉरिटी चिल्ला रहे थे ना कि जो भी हो रहा है माइनॉरिटी के प्रति जुल्म हो रहा है भारत बस के अंदर। अरे कभी इतिहास उठाकर देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो आपकी जनसंख्या कितनी थी और आज की परिस्थिति कितनी है,
पता है जुल्म कब होता है? जब दो छोटे छोटे बच्चों को एक व्यक्ति आकर के गला काट देता है आपके धर्म का, और फिर भी यहां पर दंगे नहीं होते हैं। पता है कब जुर्म होता है? तो दंगे यहां नहीं, जब वहां राजस्थान के अंतर्गत एक नाई का आकर के सरेआम गला काट दिया जाता है, लेकिन हिंदू पत्थर बरसाने के लिए रोड पर नहीं उतर करके आता है। हाँ। पता है माइनॉरिटी का यहां सम्मान कब होता है, कब दिखता है? सुन लीजिए, कब होता है? जब यह होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी यहां हिंदू रोड पर उतर कर नहीं आता है। जब पाकिस्तान जीतता है और भारत के ऊपर पटाखे दागे जाते हैं, तब भी हिंदू यहां पर उतर कर नहीं आता है। यहां पर जब अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है आप लोग करते हैं, तब भी हिंदू बाहर निकल करके नहीं आता है। पता है आपको, माइनॉरिटी की परिस्थिति अगर देखनी है तो अफगानिस्तान में देखना चाहिए आपको, पाकिस्तान में देखना चाहिए आपको, आपको बांग्लादेश में देखना चाहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली, क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। आप बहुत कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं आप? हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? आप यही करते रहे, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं आप? अगर आप यही कर रहे बनाना चाहते हैं, पलटवार कर दिया, चाहते क्या है? कहीं के नहीं रहे हैं। अगर यही कर रहे कहीं के रहने का मुमताज जी, मुमताज जी विल हैव टू पॉज। मैं जब आपको कह रही हूँ आप दोनों को रुकना पड़ेगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनका सवाल सीधा ये है, उसको जरा एक बार सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या जब 17% से 2% से कम हो गई, यहाँ पर माइनॉरिटीज की जिस तरह संख्या आजादी के समय थी उससे ज्यादा है, लेकिन आप लोग हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां अत्याचार हो रहा। अभी भी आपने गुजरात की बात की और आपने मुसलमानों की बात की, वहां हिंदुओं की बात नहीं की। ये सवाल वो पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली जवाब दे दीजिए उन्हें, जवाब उन्हें बात कर दीजिए। हाँ, हिंदुओं की बात नहीं की। अभी भी हमने कहा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, सरकार सख्ती से बोले, हम उसको कंडेम करते हैं। अभी भी आगे बढ़कर के हमने कहा जो नासिक में हुआ उसकी भी हम कंडेम, अब एक मिनट रुक जाइए, उसको भी हम कंडेम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमने कहा कि आप ही ने हेडिंग लगा रखी है कि साजिश, मैंने कहा कि साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात इन्होंने बोली है उनको सख्त से सख्त, इसमें हमने क्या कहा? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इस पर, ये जो दूध के दूल्हे बनते हैं, ये जो दंगा कराते फिरते हैं जय श्री राम के नाम पे, जो तमाम जो धार्मिक अजय जी और दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर, मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। अजय जी, ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धार्मिक नारे लगाकर हिंसा होती है, वो उसको सीधे सीधे इक्वेट कर रहे हैं, जरा उस पर बोलिए। अजय जी, अजय जी को लीजिए, सिर्फ अजय जी और दानिश जी स्क्रीन पर। कौन मिसाल दे रहा? सुचित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं।